there guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another vlog. Azadi Mubarak each and every one of you. 14 August Mubarak, ठीक है. तो आज नहीं है basically, कल है 14 August और आज हमें करना है shoot. तो मैंने सोचा थोड़े थोड़े से clips हम यहाँ के ले लेते हैं और फिर उसके बाद जो कल का दिखाएंगे, यानी कल का पूरा दिन के कल मैंने क्या क्या किया. तो आज जो है ना shoot करना है because फिर मुझे उस दिन टाइम नहीं मिलता जिस दिन वो दिन होता है, मतलब त्यौहार का दिन होता है, उस दिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता शूट के लिए. तो इस वजह से मैं सेपरेटली करके रख लेती हूँ ताकि फिर मुझे ज़्यादा वेट ना करना पड़े और फोटोज़ भी यूँ एडिट हो जाती है, हमारे पास टाइम बच जाता है. तो चलते हैं फटाफट से, चीज़ें दिखाती हूँ आप लोगों को, फिर जो है ना रेडी हूँ. यहाँ पर ड्रेस की ऑल्टरेशन हो रही है बिकॉज ऑफकोर्स मेरे कोई सूट आए और वो ऑल्टर ना हो, ऐसा होता नहीं है मोस्टली. सो ड्रेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेनली कल के किस तरह का है. अभी शूट में आप लोगों को दिखा दूंगी लेकिन फिर भी मेनली जो है मैं वो कल ही दिखाऊंगी. ओके गाइस, सो दिस इज द बास्केट, ठीक है. ये हमें एक वीडियो शूट करनी थी तो मैंने इस तरह से रख दी, तो मैंने सोचा अभी दिखा देती हूँ. ये सबसे पहले ये व्हाइट कलर का ड्रेस है, ठीक है. अभी पहनूंगी तो दिखाऊंगी इसके साथ. ये है इसका दुपट्टा और ये है इसके साथ इयररिंग्स हैं, ठीक है, एंड चूड़ियाँ जो कि ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन इसके बाद है ये बहुत प्यारा सा बैच और इसमें से मैंने ये बिल्कुल भी न्यू नहीं लिया, ये भी न्यू नहीं लिया बिकॉज ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी तो मैं सोचा यही पहन लेंगे. इसके बाद ये हुस्से हैं एंड दैट्स ऑल आई हैव. तो बस फटाफट से रेडी होते हैं. लोगों से मिलती है, ठीक है. सो या ओके, आई एम रेडी राइट हियर, ठीक है. तो फटाफट से शूट करते हैं, शूट वाइंड अप करते हैं, उसके बाद जो है बस फिर मैं आपसे मिलूंगी कल. ओके गाइस, सो झंडा हमने पकड़ लिया और हमारे ना यहाँ पर ये मसला बहुत है कि फोटोज यहाँ अच्छे नहीं आते क्योंकि कुछ खासी लाइट नहीं आती हमारे घर की तरफ. मेरी ना हट रही है फिलहाल, ये डोर नहीं खुल रहा मुझसे. अच्छा जी, तो अब हम छत पर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और अब बनाएंगे वीडियो. लामिया थक गई हूँ मैं, ऊपर से यहाँ गर्मी इतनी होती है. लेट्स ओपन द डोर. पापा आ गए. गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब मैं आपसे मिलती हूँ कल और फिर बताएंगे कल मेन दिन हमने क्या क्या किया. बाय. हेलो जी, सो दिस इज द नेक्स्ट डे और मैं फ्रेश वगैरह हो गई और मैंने अपने भाई की चुरा के पहन ली है टी शर्ट. और क्योंकि मेरे को ना दिल कर रहा था कि नेक्स्ट डे मैं इस तरह की कोई टी शर्ट पहन फिर से ना इंट्रो करूँ. अच्छा, तो क्या बात है. हाँ, बात यह है कि आज है वडी नगर. आज़ादी मुबारक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है. आई थिंक जब ये व्लॉग जाएगा तब आज़ादी हो चुकी होगी, मतलब फॉर्टी नगर सेलिब्रेट हो चुकी होगी. अच्छा, तो राइट नाउ अभी जो है ना हम लोग फिलहाल में नाश्ता वास्ता कर चुके हैं, थोड़ी देर बाद जैसे खाने वगैरह के बाद हम लोग जाके तैयार वगैरह होंगे. और फिर हम लोगों ने तो वैसे सोचा था क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो है ना एक फेस्टिवल लगता है, फेस्टिवल नहीं कहते उसको, कॉन्सर्ट लगता है. और मतलब फिर हम लोग वहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ पार्क में सोसाइटी के कॉन्सर्ट लगता है. लेकिन आजकल सब बोल रहे हैं कि इस बार नहीं लगने वाला, इस साल नहीं लगना, वो हर साल लगता है. आई थिंक 5 to 6 ईयर्स हो गए कि मैं हर साल जाती हूँ और इस साल देखते हैं अगर लगा तो ठीक है, नहीं तो हम फोटोज़ वगैरह क्लिक करके वापस आ जाएंगे. एंड यस, ओके गाइस, तो सारे काम हो चुके हैं और 3:30 भी बज चुके हैं, तो इट्स टाइम टू गेट रेडी. इसलिए नहीं कि मुझे जाना है अभी फिलहाल, कुछ वो नहीं है, मेरी दोस्त भी का भी कोई मैसेज वैसेज नहीं आया अभी फिलहाल मुझे कि हम लोगों ने निकलना है या नहीं, बिकॉज जो मैंने आपको बताया था तो आई थिंक पार्क जो है बंद है और वो हमें अलाउ नहीं करेंगे अंदर ज़्यादा. खैर एनी वेज, हमें फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी है तो हम बाहर भी कर सकते हैं. तो तैयार तो होना है और बेसिकली मुझे जो है ना एक दो वीडियोस बनानी है, कल हमारी रह गई थी तो आज बनानी है मुझे, तो उसके लिए मैं रेडी होने जा रही हूँ. तो फटाफट से रेडी होकर आप लोगों से मिलती हूँ. ओके गाइस, आई एम रेडी राइट हियर. और अब बनता है ये बोलना कि
14 अगस्त मुबारक हो, आजादी मुबारक हो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अब आप लोगों को दिखाऊंगी मैं अपना फाइनल लुक, मतलब के बैक कैप्चर। तो लुक एट इट, दिस इज द होल ड्रेस। ठीक है, ये टू पीस ड्रेस है और मेरा भाई पीछे छुप गया है ताकि मैं नजर ना हो। और आज मैंने इसके साथ ना ये सिल्वर पहनी है, बिकॉज मुझे वो वाली ग्रीन मिली नहीं रही थी तो मैंने नहीं पहनी। और इयररिंग्स में मैंने इसके साथ पहना है ये, बहुत ये पकड़े ताकि मैं इसमें दिखा सकूँ, ये प्यारे से झुमके। एंड यस, हियर आई एम। और हाँ, ये जो मेन है ना इसका वो है ये स्कार्फ कह लो, दुपट्टा कह लो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ये बहुत प्यारा है, फुल प्रिंटेड है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना एक्सपेंसिव मुझे ये ड्रेस नहीं पड़ा उतना एक्सपेंसिव मुझे ये स्टोलर पड़ गया है एक। लेकिन मैंने इस लुक को क्रिएट करने के लिए ही पूरा फुल ये स्टोलर परचेज नहीं किया, ऑर्डर करके मंगवाया है। एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि कहाँ से मंगवाया। ठीक है, फिलहाल जो है ये आउटफिट है। ओए गाइस, तो हम निकल चुके हैं बाहर और राइट नाउ अब हम बाहर निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पार्क की तरफ अपनी, जो हमारी सोसाइटी का पार्क है। जो आपका दिल करे, क्यों बताऊँ ना, जो आपका दिल करे मेरी जान। हाँ बनवाने, व्लॉग चल रहा होता है। सही है, अभी भी मेरा व्लॉग चल रहा ये हमारा सोसाइटी का सस्ता सा पार्क गाइस, जहाँ का जगह जगह पर घास ही नहीं अंदर बैठा हुआ जीत का खाना खा रहा है, इसको देख तो कैसे खा रहा है भाई। ये फजा तुम्हारी रेंट लगेगा, हमने कहा एक मिनट के लिए दे दो, रेंट नहीं देंगे। तो पहले फटाफट से हमने वीडियोस बना ली हैं, अब हम इसको वापस करके आते हैं। देख बांधा हुआ तो देख उसमें किस पर इसको लास्टिक में। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना कितने का है? हम झूले में बैठ चुके हैं फाइनली, अब पता नहीं हम जिंदा रहेंगे हम गिर जाएंगे नीचे, झूला चल चुका है बहुत शदीद। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, अल्लाह ना करे। नेक्स्ट मॉर्निंग और अब मैं इसका एक्स्ट्रा करूँ क्योंकि मैं कर नहीं पी रही थी। एंड आई होप दैट यू गाइस लाइक दिस ब्लॉग एंड इफ लाइक इट प्लीज बिकम थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत कुछ तो नहीं था इसमें लेकिन जो जो था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बाय बाय।